हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन एकेडमी। हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बालक के विकास की अवस्थाएं कि कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती है, प्लस उसका टेन्योर क्या होता है, प्लस बच्चों उस विकास की अवस्थाओं की क्या क्या क्वालिटी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको CDET के एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बालक के विकास की अवस्थाएँ, तो यहाँ पर चार अवस्थाएँ होती है, जैसे शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवकाल यानी इन्फेंसी एज, जो कि जन्म से क्या होता है, जन्म से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष तक। दूसरा है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जो कि क्या होता है दोस्तों, 5 से 6 वर्ष या फिर 12 वर्ष तक। थर्ड हमारा किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल के बीच में आते हैं। फिर लास्ट है हमारा फोर्थ प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड, जो कि 18 वर्ष के बाद होता है। नो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, यानी शैशवकाल में कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। जैसे कि शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज को बोला जाता है खिलौने की आयु, भावी जीवन की आधारशीलता, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, सीखने के आदर्श का काल, आर्थिक चिंतन की अवस्था। तो ये किसी क्वालिटी दोस्तों शैशवावस्था की यानी इन्फेंसी एज की। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, इसको क्या बोला जाता है, अनोखा काल, टोली दल समूह की आयु, मिथ्या परिवक्ता काल, स्थूल प्रसंक्रियात्मक अवस्था, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, खेल की आयु, निर्माण काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, वैचारिक क्रियावस्था। नाउ नेक्स्ट है हमारा दोस्तों किशोरावस्था, इसे बोला जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था, जीवन का स्वर्णकाल, दल भक्ति की अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल। स्टेनी हॉल ने इस लाइन को कहा था। अटपटी व उलझन की अवस्था, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। इसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल, संवेगात्मक परिवर्तन का काल, बसंत काल, थल पुथल की अवस्था, आत्मसम्मान की अवस्था एवं अस्थिरता का काल। तो ये था दोस्तों हमारा ये छोटी सी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने क्या देखा, कौन कौन सी विकास की अवस्थाएँ होती है, प्लस उसकी क्वालिटी क्या क्या होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको CDET में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनकी क्वालिटी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यान रखिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।